हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसएन में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूके पीएससी यूके ट्रिपलएससी की यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को लेके। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि उसकी यहाँ पे जांच चल रही है। साथ ही यहाँ पे देखिए बॉबी पवार जी यहाँ पे लाइव आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ साक्ष्य की बात की है कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पे साक्ष्य वहाँ पे जमा किए हुए। तो जो उन्होंने एसटीएफ को और यहाँ पे आयोग को दोनों को यहाँ पे जमा कर चुके हैं, तो उसकी पहले आप यहाँ पे क्लिप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। हमारे पास पुलिस भर्ती के संबंध में कुछ ऐसे साक्ष्य हाथ लगे थे जिन साक्ष्यों को हमने एसआईटी को देना उचित समझा, हमने आयोग को देना उचित समझा। तो पुलिस भर्ती के जो साक्ष्य थे जो हमारे पास पहुंचे थे वो हम एसआईटी को दे आए, वो हम आयोग को दे आए। उसके उपरांत जो पुलिस भर्ती के जो अन्य साक्ष्य हैं वो कहीं हमारे मित्रों के पास है, कल मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वहां नहीं बुला पाए। मुझे लगता है कि वो सोमवार तक वो साक्ष्य एसआईटी को उपलब्ध करवा देंगे, परंतु उसमें जो हमने साक्ष्य दिए हैं उस पर एसआईटी ने गौर किया है। और उसके बाद जो एसआईटी के बाद जो हमारी बैठक आयोग के साथ हुई, उस बैठक में पुलिस कांस्टेबल के जो साक्ष्य थे उस आधार पर आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ये साक्ष्य जो है इस पर अब जाँच होगी, और जब तक जाँच होती है तब तक इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। कई लोगों का संशय बना हुआ था कि इसका रिजल्ट निकलने वाला है, तो ये स्पष्ट आयोग के अध्यक्ष ने कर दिया है कि तब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक अब इसकी जांच नहीं होगी। उसमें जांच होना जरूरी है क्योंकि जो चीज़ें हाथ लगी है वो बड़ी गंभीर चीज़ें हैं, और जो और भी चीज़ें जो हाथ लगी है जो सोमवार तक शायद एसआईटी को बता दिया जाएगा वो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस की भर्ती जो है उसकी प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये जाँच नहीं होती है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जांच दो स्तर पर चल रही है। एक जांच चल रही है जो आयोग के अध्यक्ष खुद अपने उसमें कर रहे हैं, इंटरनली जांच जो चल रही है, दूसरी जांच जो एसआईटी। तो वीडियो में उन्होंने बताया कि यहाँ पे एसटीएफ को और आयोग को उन्होंने यहाँ पे साक्ष्य सौंप चुके हैं, साथ ही कुछ साक्ष्य उन्होंने आपको मंडे तक सौंपने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे अभी आप टाइम लगने वाला है रिजल्ट के लिए, पहले यहाँ पे पूरी जांच होने वाली है, उसी के बाद यहाँ पे कुछ रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब इसके बारे में जैसे ही आयोग से ऑफिशियली अपडेट मिलेगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।